सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से शादी क्यों की थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है कि शादी क्यों की थी। बिकॉज हम सबको पता है कि जो हज़रत आयशा थी वो बहुत कम उम्र की थी जब उनकी मैरिज हो गई थी। तो क्या रीज़न था, हो सकता है हमें इस वीडियो में पता चले कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम उम्र की लड़की के साथ में मैरिज की थी, उसके पीछे क्या रीज़न था। बाकी इस वीडियो में एक्चुअली क्या है वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हिंदू हो या मुसलमान, हर इंसान के लिए खास है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी क्यों की। इसके पीछे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या हिकमत थी, यानी कि क्या मंशा थी। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के 25 साल ऐसे समाज में बिताते हैं जो हर तरफ से बुराइयों से लथपथ था, मगर आप ऐसे अंधकार में भी अपने आप को वो बिल्कुल पाक साफ और पाक दामन रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले दो शोहर हो चुके थे। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 50 बरस की उम्र तक आप इसी बेवा के साथ रहे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक आप हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहे। तब तक आपने दूसरी शादी करने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसके बाद दोस्तों, जब हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद आपने हजरत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह किया जो आपकी हम उम्र थी और बेवा भी थी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 9 बीवियों के साथ निकाह 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किया। यानी कहने का मतलब ये है कि 7 साल में ये 9 निकाह किए और ये सारी औरतें सिवाय हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के तमाम औरतों के पहले 2 से 3 शोहर रह चुके थे। आपने अपनी उम्र के आखिरी 3 सालों में, जबकि उस वक्त तक अरब के बड़े हिस्से में आपके साथ हो चुके थे, आपने कोई भी शादी नहीं की। इस बात से दोस्तों ये बात साफ हो जाती है कि आपने इतनी शादियां करने का मकसद भोग विलास बिल्कुल भी नहीं था। मगर कुछ लोग बिना सोचे समझे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या ये आरोप एक ऐसे इंसान पर लगाया जा सकता है जो अपने जवानी के दिन सिर्फ एक ही औरत के साथ बिताए हो, वो भी एक ऐसी औरत जो आपसे उम्र में कई ज़्यादा बड़ी हो, यानी उनके 15 साल बड़ी हो और जिसकी पहले 2 मर्दों के साथ शादी हो चुकी हो। एक बात और दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबुवत के बाद, यानी कि नबी बनने के 5 साल बाद, आपके विरोधी आपको रोकने के लिए पूरी कोशिशें करने लगे, आपके लिए पूरी कोशिश ही करने लगे। सामने आपके हर तरह का लालच रखा जाने लगा, हर तरह की पेशकश आपके सामने की गई। आपके दुश्मनों से कहा, आपने कहा कि अगर तुम्हारा मकसद सांसारिक हो तो हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं और तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा देते हैं और अरब की सबसे खूबसूरत महिला के साथ आपकी शादी करा देते हैं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
दुश्मनों की हर पेशकश को ठुकरा दिया। हालांकि उस वक्त तक आपकी शादी में 55 साल की एक बूढ़ी औरत हजरत खदीजा ही थी। और दूसरी बात यह कि उस वक्त आपके विरोधियों ने आप पर हर तरह का इल्जाम भी लगा दिया। आपको कवि कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने जादूगर कहा, मगर आपके दुश्मनों ने कभी भी आप पर भोग विलास का आरोप नहीं लगाया। अगर उन्हें कुछ इस तरह का दिखता तो वो दुश्मन भी इस बात को भी बड़ा चढ़ाकर इसका भी प्रचार प्रसार कर देते। अब दोस्तों बात करते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी क्यों की, इसके पीछे क्या हिकमत थी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। आपके बाद दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है, इसीलिए अल्लाह के हर पैगाम को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी को औरतों और मर्दों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। आपको नबूवत मिलने के 10वें साल रमज़ान के महीने में आपकी बीवी हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उसके 4 साल के बाद आपने अल्लाह के हुक्म से ये महसूस किया कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी उम्र की औरत आए जो अपनी आंखें इस्लामी माहौल में खोली हो। ऐसी औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार में आई ताकि उनको अच्छी तरह से तालीम मिल सके और उसके बाद वो औरतों में इस्लामी तालीम को अच्छी तरह से फैलाने का ज़रिया बन सके। इसी बात को देखते हुए अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को चुना और हिजरत से 3 साल पहले शवाल के महीने में यानी कि 620 ईस्वी में हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपने निकाह किया। उसके 3 साल के बाद जब आपकी उम्र 9 साल की हो गई तो आपकी वालिदा हजरत उम्मे रुमान ने आपकी विदाई कर दी। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त घर में गुजरता था उसमें एक ऐसी समझदार और बुद्धिमान औरत की ज़रूरत थी जो आपकी एक एक बात को याद कर सके और लोगों में फैला सके। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लामी माहौल में ही अपनी आंखें खोली थी। उसके बाद जब हजरत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो हजरत आयशा ने इतनी कम उम्र में ही कुरान पाक और हदीस की सारी बातों को मुंह जबानी याद कर लिया और वो उसके बाद वो लोगों तक उन बातों को पहुंचाने लगी। हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रिवायत बयान करने वाली हजरत आयशा ही है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो समझदारी देखी थी, इसी वजह से आपने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी करना पसंद किया। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। हजरत आयशा से शादी के लिए एक पैगाम पहले भी हजरत अबू बकर के पास आ चुका था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की पेशकश की तो हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी एक साहब का पैगाम भी आ चुका है, पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ फिर हम आपको जवाब दे देंगे। फिर हजरत अबू बकर उस शख्स के पास गए तो उस शख्स को नशे की हालत में पाया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन लौट आए और अल्लाह के रसूल को जवाब भेज दिया कि हमें आपका रिश्ता मंजूर है। इससे यही मालूम होता है कि कम उम्र में ही वो ताकत हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा में पैदा हो गई थी जो मर्द के पास जाने के लिए एक औरत में पैदा होती है। इन सब के बावजूद कुछ ना समझ लोग ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी जो शादियां की थी वो सब बेवा थी या तलाकशुदा थी, बाकी शादियां सहारा देने के लिए की थी, लेकिन हजरत आयशा ने इतनी कम उम्र में शादी क्यों की, उन्होंने कम उम्र में ये ख्याल क्यों नहीं रखा।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है, यानी कि हर मसले के बारे में बताया है। इसीलिए उन्होंने ये भी बताया है कि एक बड़ी उम्र के शख्स को एक कुंवारी लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और सिर्फ उन्होंने बताया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अमल करके बताया है। इसी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ वो बर्ताव किया जो उनकी बचपन की उम्र का तकाजा था, यानी कि आपने उनके बचपन का पूरा ख्याल रखा। दोस्तों, एक मर्तबा मस्जिद के पास ही कुछ हबशी लड़कियां ईद के दिन खेल रही थी। ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा, ऐ आयशा, क्या तुम हबशियों का खेल देखोगी? तो इस पर हजरत आयशा ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा करके देर तक हजरत आयशा को उनका खेल दिखाया। इसके अलावा दोस्तों, मोहल्ले की लड़कियां हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास खेलने के लिए आया करती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते तो वो लड़कियां इधर उधर बिखर जाती थी। ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर से जमा करते और फरमाते कि भागते क्यों हो, खेलती रहो। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के साथ दौड़ भी लगाई। ये देखते हैं कि हम में से कौन आगे निकलता है। उस वक्त हज़रत आयशा बहुत हल्की फुल्की थी और दौड़ में वो आगे निकल गई। उसके कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से हज़रत आयशा के साथ एक बार फिर से दौड़ लगाई। उस वक्त हज़रत आयशा थोड़ी भारी हो चुकी थी, इस वजह से एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे निकल गए। तो आपने फरमाया कि ऐ आयशा, ये उस दिन का बदला है, लो अब मैं जीत गया। तो प्यारे दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, यही हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। तो ये बात तो हकीकत है कि कई बार इस बात को लेकर या इस टॉपिक के ऊपर कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी शादियाँ क्यों की थी, या उनकी जो वाइफ थी वो बेवा क्यों थी पहले, और उसके बाद में आयशा, जो बीबी आयशा है उनके ऊपर तो हमेशा यही, मतलब मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पे, जिस पे लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ में उन्होंने मैरिज की थी। ऑल्दो हम सबको पता है कि उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज वगैरह बहुत कॉमन थी जो कि हो जाती थी, लेकिन यही होता है कि हर इंसान की यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो तो उस खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं, तो एटलीस्ट उन्हें नहीं करनी चाहिए थी इतनी छोटी लड़की के साथ में मैरिज। तो उनका रीज़न भी अपना था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है, और उसके बाद में उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो आगे इस्लाम को लोगों में फैला सके, और इंटेलिजेंट होना चाहिए। शायद उन्हें ये भी लगा होगा कि जो छोटे बच्चा होता है तो उसको वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करता है, बहुत जल्दी मेमोराइज़ कर लेता है। लेकिन फिर भी हर बंदा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर लगाते हैं कि जो बीबी आयशा हैं उनकी बहुत छोटी उम्र थी, तो इतनी छोटी उम्र में एक लड़की के साथ में शादी करना। बट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ और ही रीज़न था हज़रत आयशा के साथ में मैरिज करने का, जो कि इस वीडियो में भी हमें क्लियर हुआ है। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।